अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो देखो हमारा भोपला खाने को हम बैठने जा रहे हैं दस्तरखान पे, और मैंने व्लॉग स्टार्ट की हूँ। रात के बज रहे हैं 10:50 है, मतलब 9:30 हो रहे, 20 मिनट घड़ी हमारी आगे है। तो मैंने व्लॉग इसलिए स्टार्ट करी हूँ रात में क्योंकि देख सकते हैं आप ये बच्चे को, ये मच्छी के लिए इतना बेचैन है। बांगड़ा फ्राई हुआ है ना, उसको मैकरेल बहुत पसंद है, तो वो मच्छी खाने के लिए इतना बेताब है कि कभी आएंगी मच्छी और कभी मैं बैठ जाऊंगा, देख सकते हैं आप। ये देखो, तो बाबू देखो बांगड़ा चाहिए ना मच्छी, बाबू लेके आओ मच्छी, लेके आओ मच्छी, लेकर आ, इधर रख, इधर रख, गरम है, इधर रख। ये देखो आप देख सकते हैं, मैंने वो फ्राई गरम थी ना, इसके लिए टाइल्स ये हो जाएंगी, इसलिए मैंने उसे कपड़े पे रखा था। देखो देख सकते, भोपले दूर है, दूर है, हाँ मैं देख रही हूँ। अरे को देख सकते, अरे अरे फिशू, अरे फिशू, अरे को ये बांगड़ा मैंने फ्राई करी हूँ, तो बांगड़ा देख सकते आप। ये देखो ये मच्छी के लिए इतना बेचैन है ये बंदा, देख सकते हैं आप। इसको फिश चाहिए, मैकेरल चाहिए, देख सकते हैं देखो कैसा बैठा है। देखो बाबू चाहिए ना फिशू, फिशू चाहिए ना मेरे बाबू को, फिशू चाहिए, खाएंगा ना फिशू, खाएंगा ना, कैसा खाएंगा तू। तो देख सकते हैं आप ये मछली के लिए कितना बेचैन है। तो आ जाओ हमारे साथ खाना के लिए, और मैं अभी कंटिन्यू ब्लॉग करूँगी, इसके बाद का ब्लॉग आपको कल सुबह मिलेगा मॉर्निंग में, ओके। तो आ जाओ, मैंने सुरमई का टकला लाई थी, मतलब सुरमई, सॉरी सॉरी, सुरमई का क्या बोलते, सुरमई का सर, सुरमई फिश जो रहती है ना, किंग फिश, उसका मैंने सर लाई थी और उसका मैंने सालन बनाई हूँ। गैस बंद कर जा जल्दी, इना जा बंद कर, देख सकते हैं आप। तो मिलते हैं मेरा कंटिन्यू ब्लॉग में, और इसके बाद मैं बताऊंगी खाते वक्त कैसा खाता, मज़े ले लेके बांगड़ा फिश है। मैं कह रही उसे बहुत पसंद है ये फिश, तो उसके लिए मैंने लाई थी, तो आधा उसको दूंगी और डेढ़ में से हम तीनों खाएंगे, मैं इनाया लबीब, ओके। और ब्लॉग को मैं कंटिन्यू करूँगी। हाँ चलो अभी खाने को बैठ जाओ, चलो प्लेटें वगैरह लेकर आओ। गाइस ये सुरमई फिश का सालन बनाई मैंने, जो सर का मैंने बोली ना उसका सालन है, ये बांगड़ा फ्राई, और अभी हम लोग खाना खाने जा रहे हैं, तो माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा। और देख सकते हैं ये राइस से मैंने आज रोटी नहीं बनाई क्योंकि बाजार से हम थक के आए ना, और आ जाओ हमारे साथ खाना खाने के लिए। भोपले देखो फिश चाहिए ना, उसको ये प्लेट में दे दें मसाले वाली, भोपले को हाँ चलेगा, कुछ नहीं होता है, रुक मैं इसको निकाल के देती बांगड़ा। इनाया चल खाने को आ, रुक रुक, ओ देखो देख उठ गया, देख देखो, देख सकते हैं आप कितना बेचैन होता है वो। ये बांगड़ा, ये अंडे वाला इनाया को दे दिया, हाँ देते देखो देते, वो देती देता है भाई, टेंशन मत ले तू। उसको हम लोग कांटे वगैरह निकाल के देते गाइस, ने तो कैसा परेशान है ना, वो गाउंटी नहीं है। दे उसको दे आगे, हाँ उसको दे उधर दे, देख सकते हैं आप कितना बेचैन है ये, उसको नशा चढ़ गया अभी मच्छी का, बेचैनी और इसको कभी मैं खाता हूँ कभी हटता हूँ। देखो तो देख सकते हैं आप, माशाल्लाह ज़रूर बोलिएगा मेरे बच्चे के लिए, क्योंकि अभी वो बीच में इतना बीमार था, आपने देखे होंगे इसके पहले के ब्लॉग में। अभी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआ से और आप लोगों से, आप लोगों के प्यार से बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है वो अभी। और देख कहाँ लेके जाके खा रहा है, वो प्लेट से निकालता है ज़मीन पे लेके जा रहा है, वो प्लेट ऐसा नहीं कर उसमें खा बेटा। तो चलो मैं कल ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आ जाओ हमारे साथ खाना खाने के लिए, डिनर करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो देख सकते हैं आज मैं बहुत सुबह सुबह उठा हूँ, अभी स्कूल जाना है ना, तो आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, मैंने अभी देखी जस्ट विंडो से,
देख सकते हैं आप मेरे को, ये किसका? बुलबुल का बच्चा है ना बाबू? हाँ, बुलबुल क्या कोयल है वो? नहीं, बुलबुल बुलबुल है, कोयल तो काली रहती है ना, बुलबुल है। वो भी काली है। देखो, देख सकते हैं आप। ओ, हाथ मत लगा, हाँ? ये तो माँ उठाएंगी मम्मी। हमारे घर के सामने है, देखो। गाइस, मेरे बाबू ने देखो मैगी बनाया है, क्योंकि मैं कहाँ पे गई थी, काम से, ज़रूरी काम से बाहर जाना पड़ा था मुझे, तो मैं गई थी सुबह से। इनायक की जरा आ जाएंगा खाने, इनायक जरा फ्रेंड के घर पे गई थी, मतलब उसका काम था कुछ, तो वहाँ पे गई थी। तो देखो मेरे बच्चे ने मैगी बनाया है, आज हमारे साथ मैगी खाने, क्योंकि मैं बहुत टायर्ड हो गई हूँ, मेरे बॉडी में इतना पेन हो रहा है ना, क्योंकि मुझे सुबह से फीवर फिर ऐसा लग रहा था। तो देख सकते हैं आप, लबीब खा रहा है। लबीब कौन सी मैगी बनाए, ये पी ना, और ये मैगी हमारे घर में बहुत शौक से खाते हैं, बहुत पसंद करते हैं इसमें, क्योंकि वेज रहता है। और ये मैगी से कुछ मतलब आपको ये तकलीफ़ नहीं है, मैगी नहीं खाते हम, ये पी की मैगी खाते हैं, मैगी कंपनी की नहीं खाते, मैगी कंपनी की खाते हैं, नहीं ना। मैगी की येलो वाली मैगी पसंद है तुम लोगों को? नहीं, 2 मिनट्स की मेरे को नहीं, 2 मिनट्स की हमको मैगी बिल्कुल भी नहीं पसंद है, हम लोग को यही एपी वाली पसंद है, नॉन स्टिक भी होती है वो, ज़रा स्टिकी होती है, और ये स्टिकी नहीं होती, इसलिए हमें ये बहुत पसंद है। तो ज़रूर आप भी हमारे जैसा बनाइए और खाइए। देखो मेरा बच्चा शेफ है, इसने बनाया है, तो इसके लिए प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और कमेंट्स करो, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो आ जाओ मैगी खाने के लिए।